राधे कृष्णा, आप सभी को उन्नति कृष्णा बुटीक में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, हमने ये 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए जैकेट बनाई है, फ्रिल वाली, 2 कलर से। ये देखिए कितनी प्यारी सी लग रही है। तो चलिए मैं पहना के दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल की ड्रेस आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आशा करती हूँ मेरी वीडियो को एक बार आप पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए हम बना लेते हैं इसको। हमने कितने, ये देखिए मैंने ये 2 कलर की ऊन ली है, ब्लू कलर और रेड कलर में है ये कुछ, और 9 नंबर की मैंने सिलाई ली है। ये देखिए ये 7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए, 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए हाफ जैकेट और पैंट बनाऊँगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। 30 फंदे डालूँगी। ये देखिए मैंने अंगूठी के ऊपर ऐसे ऊन को रखा और सिलाई को इस तरीके से डाला और ऊन को ऐसे हमने घुमा लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं ऐसे, ये देखिए ये जॉइंट वाले फंदे डाल रही हूँ मैं, 1 2 3 4। तो चलिए मैं 30 फंदे डाल के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने फंदे डाल लिए हैं, अब मैं इनको बनाऊँगी और फंदों को अपनी साइड में बनाना है, उल्टी सिलाई बनानी है। और ये मैं रेड कलर लगा लूँगी। ये धागे हम इसके ने ऊपर नीचे करके चलेंगे तो ये हमारे धागे दोनों दब जाएंगे, फिनिशिंग अच्छी रहेगी। तो चलिए मैं इसको अपनी साइड में बना लेती हूँ, सिलाई को एक पूरी कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको हमें आगे क्या करना है। तो चलिए ये देखिए मैंने उल्टी साइड से ये रेड कलर की सिलाई बना ली एक रो। अब मैं सीधी साइड से 2 फंदे बॉर्डर के लिए बनाऊंगी। मैं ये बना लिए, अब मैं फंदे बढ़ाऊँगी इसमें, हर एक फंदे में फंदा बढ़ाना है मुझे। देखिए एक बना लिया, इस फंदे को उतारेंगे नहीं हम, धागा पीछे की साइड में करेंगे और फंदे को बना लेंगे। अब हम एक फंदा सादा बनाएंगे, धागा अपनी साइड में करेंगे, आगे की साइड में फंदा बना लेंगे, धागा पीछे की साइड में करेंगे और फंदे को बना लेंगे दोबारा से। ये देखिए अब हम एक फंदा सादा बना लेंगे, एक फंदे के पे फंदा बढ़ाना है हमें और एक फंदा सादा वैसे ही बनाना है। ये देखिए धागा हमने अपनी साइड में किया, आगे की साइड में फंदे को बनाया, धागा पीछे की साइड में करेंगे और फंदे को बना लेंगे। एक फंदा हमें सादा बनाना है। ये देखिए धागा अपनी साइड में करेंगे, फंदा बना लिया, धागा पीछे को करेंगे और फंदे को बना लेंगे। तो चलिए इसी तरीके से मैं सारे फंदे बढ़ा लेती हूँ और लास्ट में 2 फंदे बॉर्डर के बनाऊँगी मैं। तो चलिए बढ़ा लेती हूँ फंदे। ये देखिए मैंने ये बना लिया है, फंदे बढ़ा लिए, अब मैं उल्टी साइड में आ गई हूँ। अब हम इनको अपनी साइड में बुन लेंगे उल्टा उल्टा। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ और मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के फिर दिखाऊंगी आपको कि आगे हमें क्या करना है। तो चलिए ये देखिए मैंने इसको एक सीधी पट्टी बना ली है, 7 सिलाई बन गई हैं दोनों साइड से, 8वीं सिलाई पे आ गई हूँ अपनी साइड में। अब मैं दूसरा कलर लगाऊँगी इसमें, ये देखिए ये वाला कलर लगाना है मुझे। तो चलिए लगा लेती हूँ मैं इसको, इसको हम ऊन में लपेट लेंगे। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ और एक सिलाई और बनाऊँगी सीधी साइड से इसी कलर से। तो 2 सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए ब्लू कलर से मैंने 2 सिलाई बना ली है। अब हमारी टोटल पहले 7 सिलाई थी, अब हमारी 9 सिलाई हो गई हैं। अब देखिए मैं अब फंदा, ये आगे की फंदे फ्रंट साइड के, ये देखिए 5 फंदे बनाऊंगी फ्रंट साइड के लिए, आगे के लिए, मुड्डे के लिए। ये देखिए फ्रंट साइड और मुड्डे के लिए हमने 5 फंदे रखे हैं, देखिए 4 और ये 5। अब मैं 10 फंदे बाजू के लिए घटा दूंगी।
ये देखिए, एक एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा, चार फंदा, पांच फंदा, छह फंदा, सात फंदा, सात फंदा, आठ फंदा, नौ फंदा, ये 10 फंदा। अब 10 फंदे हम बैक साइड के बना लेंगे, ईंट वाले 10 फंदे। ये देखिए कितने फंदे बन गए हमारे, 5। तो चलिए मैं 10 फंदे बैक साइड के बना लेती हूँ और 10 फंदे मैं बाजू के यहाँ बंद कर दूँगी और 5 फंदे फ्रंट साइड और मुड्डे वाले रख लेंगे हम। तो चलिए मैं इसको बना के फिर दिखाती हूँ आपको आगे हमें क्या करना है। देखिए मैंने फंदे घटा दिए, अब मैं सीधी साइड में आ गई हूँ। तो अब हम इसको सीधा सीधा बना लेंगे। दो फंदे पहले हम बॉर्डर के बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। अब हम सीधा बनाएंगे इसको, अब मैं जॉइंट कर लूँगी। देखिए देखिए अब मैं उल्टी साइड में आ गई हूँ। अब इस सिलाई को हम अपनी साइड में बना लेंगे उल्टा उल्टा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसको। ये देखिए मैंने ये दो सिलाई बना ली है, एक उल्टी और एक सीधी। यहाँ पर देखिए मैं बताना भूल गई थी आपको, यहाँ पर मैंने फंदे बढ़ाने के बाद मेरे 42 फंदे थे, 5-5 दोनों मुड्डे के लिए और 11-11 दोनों बाजू में बंद करे मैंने और 10 फंदे मैंने बैक साइड में रखे हैं पीठ के लिए। तो चलिए मैं फंदे बढ़ा लेती हूँ फिर से। ये बॉर्डर बॉर्डर वाले हम दो फंदे बनाएंगे, ये देखिए। अब हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। एक फंदा सादा बनाएंगे हम, धागा अपनी साइड में करेंगे, बना लेंगे फंदे को और फंदे को उतारेंगे नहीं हम, धागा पीछे की साइड में करेंगे और इसको बना लेंगे। एक फंदा सादा बनाएंगे, धागा अपनी साइड में, फंदे को बनाएंगे और फंदे को उतारेंगे नहीं हम, धागा पीछे की साइड में करेंगे और फंदे को बना लेंगे। इसी तरीके से मुझे सारे फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदे में फंदा बढ़ाना है, एक फंदा सादा बुनना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने फंदे बढ़ा लिए, अब मैं उल्टी साइड में आ गई हूँ और इस सिलाई को मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी और थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं इसको फिर दिखाती हूँ आपको आगे हमें क्या करना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसको। ये देखिए मैंने दो सिलाई बना ली इसकी, हमारी टोटल यहाँ तक 9 सिलाई है यहाँ तक, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सिलाई बना ली हमने अब तक। हम अपनी जैकेट को इतना ही बनाएंगे और ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बढ़ाएंगे। तो चलिए अब मैं इसको बना लेती हूँ। ये देखिए मैं दो फंदे बनाऊंगी पहले, ये देखिए। अब हम पलट के अपनी साइड में आ जाएंगे इस तरीके से। ये दो फंदे दोबारा से हम बना लेंगे इसी तरीके से, फिर से पलट के मैं अपनी साइड में आ जाऊंगी। ये देखिए अब हम इन धागों को इसमें दबा देंगे, ये देखिए। अब देखिए अब इसमें से हम एक फंदा और बना लेंगे पिंक कलर में से। अब पलट के फिर से दोबारा से हम अपनी साइड में बनाएंगे उनको उल्टा उल्टा।
ये देखिए अब तीन फंदे हमारे पास। अब फिर से मैं इनको बना लूँगी, अब फिर से मैं एक फंदा ले लूँगी। अब हमारे पास चार फंदे हो गए, हम चार फंदे ही बनाएंगे, चार फंदे का हम कमोरा बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं इसमें से दो फंदे बंद कर दूँगी, ये भी दो फंदे बंद कर देंगे हम, और फिर से हम पलट के आ जाएंगे अपनी साइड में। देखिए पलट के अपनी साइड में आ गए, अब फिर हम दोनों फंदों को बना लेंगे। ये देखिए बन गए हमारे दोनों फंदे, अब इसको भी हम बंद कर देंगे। ये देखिए ये दोनों फंदे भी मैं दोनों बंद कर दूंगी, ये दोनों बंद कर दिए हमने। कि अब मैं इस फंदे को इसमें डालूंगी और अब इसको हम बंद करेंगे। ये देखिए अब हम एक फंदा और लेंगे इसमें से, अब फिर से हम इनको बनाएंगे उल्टा, जैसे मैंने ये चार फंदे बनाए थे इसी तरीके से इनको भी हमें बनाना है। ये देखिए पलट के फिर मैं अपनी साइड में आ गई हूँ, दोनों फंदे बना लेंगे और दो फंदे फिर से मैं इसमें से एक फंदा लूँगी मैं इसमें से। अब इनको भी तीन फंदे हो गए हमारे पास, तीनों फंदों को बना लेंगे। पलट के फिर से मैं इन तीनों फंदों को बना लूँगी। ये देखिए एक फंदा मैं और ले लूँगी इसमें से, अब हमारे पास चार फंदे हो गए। ये देखिए पलट के आ गई मैं अपनी साइड में, फिर से बना रही हूँ इनको। ये देखिए, ये देखिए अब हम ये फंदे दो फंदे बंद करेंगे, ये दोनों भी हम बंद करेंगे। ये देखिए अब हमारे पास दो फंदे बचे हैं, इनको बना लेंगे पलट के। ये देखिए इन दोनों फंदों को हम बना लेंगे, बना लिया हमने पलट के, फिर से अपनी साइड में आ गए हम। अब इन दोनों को भी हम बंद कर देंगे, बंद कर दिया। और एक फंदा हम ये लेंगे पिंक कलर का, इसको सिलाई में डालेंगे, एक फंदा और लेंगे, इसको भी हम बंद कर देंगे। देखिए इसी तरीके से मुझे ये कमूरे बनाने, तो चलिए मैं बना लेती हूँ फिर दिखाऊँगी आपको हमें आगे क्या करना है। ये देखिए मैंने